देखिए, मुंबई के रोजमर्रा के जीवन में आदमी 3:23 और 4:24 की ट्रेन पकड़ने में व्यस्त रहता है। ऐसे में उसके उसके निजी जिंदगी के लिए कोई ऐसा समय नहीं होता कि वो जब अपने बारे में सोच सके। लोक संगीत के बारे में सोचने का उसके पास वक्त भी नहीं होता। और मुंबई शहर की आपाधापी के बीच लोक भाषा, लोक संगीत, लोक गीत और लोक संस्कृति की बात नई पीढ़ी समझ सके, इसके लिए इसका ये आयोजन किया गया है। पिछले 2 तारीख से अब 18 तारीख को इसका समारोह होगा। आज खुशी की बात यह है कि मराठी भाषा भवन के कवि कुसुमाग्रज ये सभागृह में भोजपुरी की संगीत का कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे इस बात का फक्र है कि जो देश में कहा जाता है विभिन्नता में एकता, तो विभिन्नता में एकता अगर कहीं देखनी हो तो वो मुंबई यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में लोग आएँ और देखें कि किस तरह से मराठी भाषा भवन में भोजपुरी की गंगा बह रही है। देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री जी अक्सर कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां बचेंगी बेटियां पढ़ेंगी तो बेटियां बढ़ेंगी भी, और इसलिए बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन महिलाओं का सम्मान किया जाता है जो अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत हैं और विशिष्ट स्थान बना चुकी हैं। उन लोगों को बुलाकर हमारी उन महिलाओं के बीच में उनको सम्मानित किया जाता है ताकि वो भी उनसे कुछ सीख सकें और उनकी उनसे ये जान सकें कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ने का मार्ग किस तरह से सुगम हो सकता है, इसलिए हम उनको इस समारोह में सम्मानित कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम को, स्त्रियों के कार्यक्रम को इसलिए भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यत्र नारेस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा हम लोग वर्षों से कहते आए हैं और ये मान्यता हमारी है, वेदों में कहा गया है। और अब भारत के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि स्त्रियों को पूजा भी जाना चाहिए और सम्मानित भी किया जाना चाहिए। कितना जरूरी है आज इस संस्कृति को जिंदा रखना और इस कजरी महोत्सव को जिंदा रखना, कितना बड़े काबिल तारीफ और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कजरी महोत्सव के माध्यम से हिंदी भाषा विभाग की तरफ से जो ये एक बहुत ही उपयुक्त और समीचीन कार्य किया जा रहा है, भाषा और संस्कृति के संग्रह का, उसकी सातत्य और उत्तरजीविता के लिए। किसी भी भाषा का संश्लिष्ट और विश्लिष्ट रूप होता रहता है, पर जब वो बहुत संश्लिष्ट हो जाती है भाषा तब वो जन सामान्य से दूर चली जाती है, और इसलिए भाषा का विश्लिष्ट रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम भाषा के अति व्याकरणीकरण के कारण हम उसके सांस्कृतिक पहलुओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब हम सांस्कृतिक पहलुओं को नज़रअंदाज कर देते हैं तो भाषा की वो मारदौ, वो लोच, वो सर्वसमावेशिता, सर्वग्राह्यता और संस्कृति के अक्षुण तत्वों की धरोहर को वहन करने में अक्षम पड़ती है। तो ये दोनों तरफ से ये बहुत आवश्यक है, भाषा की विविधता को बनाए रखने के लिए, भाषा को संस्कृति के वहन का एक आधार भूमि देने के लिए, और तीसरा भाषा को जनसामान्य से जोड़े रखने के लिए। इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि संस्कृत है खूब जल, भाषा बहता नीर। मतलब जब हम स्थानीय भाषाओं को हिंदी की मुख्य धारा से जोड़ देते हैं तो हिंदी की जो मुख्य नदी है वो गंगा की तरह पवित्र और सबको साथ लेकर चलने वाली हो जाती है। जब हम उसकी जो
अनुषांगी नदियां हैं उनको उनसे नहीं जोड़ते हैं तो उसके कई तत्व जो है वो उसमें समाहित नहीं हो पाते। इसलिए जो ये अभियान चलाया जा रहा है कजरी महोत्सव के माध्यम से, उसे मैं अत्यंत स्तुत्य मानता हूँ और अत्यंत प्रासंगिक भी मानता हूँ। तो हमारी शुभकामना है हिंदी विभाग को, इस मुंबई विश्वविद्यालय के, जो लगातार इस कार्य में प्रयत्नरत है, और भाषा को जो कि हमेशा से जनसामान्य से जुड़ी हुई है उसको आगे बढ़ाने का साहित्य के साथ लेकर काम कर रही है। धन्यवाद। स्त्री सम्मान यहाँ पर स्त्री सम्मान भी किया जा रहा है, और जब बात मुंबई की आती है तो महिलाएं काफी अपने आप को सुरक्षित समझती हैं, और आप अपने कार्य को देखना जब कार्य करते हैं आप किस बात को महसूस करते हैं कि महिलाएं जो है सम्मान के साथ उनकी सुरक्षा पे जो ध्यान देना चाहिए वो मुंबई में काफी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। सच कहें तो सम्मान सुरक्षा की अगली कड़ी है। स्त्री केवल किसी धरातल पर, ऐसे धरातल पर उठा रख देने की जगह नहीं है जहां उसको देवी माना जाए या जहां उसको अबला माना जाए, बल्कि स्त्री का सम्मान होना और स्त्री को संबलता प्रदान करना, सशक्त करना आवश्यक है। क्योंकि इस दुनिया में ईश्वर ने दो ही समाज बनाए हैं, एक स्त्री समाज और एक पुरुष समाज, बाकी समाज हम सब ने बनाए हैं। दोनों में कुछ मूल अंतर होते हुए भी दोनों इंसान या मनुष्य के रूप में जाने जाते हैं और मनुष्य की मूल क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए स्त्री पुरुष कि जो हम समानता की बात करते हैं या समानाधिकार की बात करते हैं या उनको सम्मानित करने की बात करते हैं, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो दूरी दिखती है दरअसल ये दूरी नहीं है, ये मानसिक दूरी है, और इस मानसिक दूरी को दूर करने के लिए उनकी सुरक्षा के साथ उनका सम्मान भी उतना ही जरूरी है। पुलिस महकमे की का होने के कारण मैं ये कह सकता हूँ कि मुंबई और महाराष्ट्र में स्त्रियों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र पुलिस के महासंचालक ने और विभिन्न जो अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग हैं वो हमेशा से उठाते रहे हैं। स्त्रियों की का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है और उनका सम्मानित होने होते रहना भी जो है बहुत जरूरी है। मंत्री जी आप क्या कहेंगे, देखिए वैसे तो पुलिस अधिकारी कोई भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम होता है, लेकिन ऐसा कम होता है कि कोई पुलिस अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। कृष्ण प्रकाश जी की ये विशेषता ही उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका जो कमिटमेंट है उसी कमिटमेंट की वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने जाते हैं, और उन्होंने एक फलसफा दिखाया है लोगों को कि आप व्यस्त नहीं होते, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट किया, समय को ठीक ढंग से अगर बांटा है अपने कामों के आधार पर तो आपको समय कम नहीं पड़ेगा। और यही कारण है कि उनसे ये सीखना चाहिए कि अपने समय का इस तरह से आप नियोजन करें कि आप हर जगह समय दे सकते हैं, और इसलिए कृष्ण प्रकाश जी अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन बखूबी करते हैं, और यही कारण है कि मुंबई शहर के इतने अति व्यस्त जगह पर काम करने के बावजूद एक पुलिस प्रशासनिक सेवा के, भारतीय पुलिस प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी होने के साथ साथ वे लोक भाषा लोक संस्कृति के संरक्षण में एक कार्यक्रम जो होता है उस समारोह में भी बड़ी शिद्दत के साथ हिस्सा लेते हैं, ये उनकी काबिलियत है जिसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। कजरी महोत्सव जो है वो मेरा फेवरेट है, मैं जहाँ जहाँ मौका मिलता है बॉम्बे में कहीं पर भी, उत्तर प्रदेश में भी जाता हूँ, बिहार में भी जाता हूँ, जहाँ मौका मिलता है मैं इस महोत्सव को बहुत एंजॉय करता हूँ। बहुत मुझे
ये हमारे देश का ऐसा त्यौहार है, ऐसा महोत्सव है जो मिट्टी से जुड़ा है, तो हमारे मुझे लगता है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस कजरी महोत्सव में मैं आप आया हूँ और इसका एक हिस्सा बन पा रहा हूँ। महिलाओं को मैं समझता हूँ कि हंसी और हसीन ये दोनों ही आशीर्वाद ऊपर के वाले की तरफ से मिला है। वो हंसती भी तो खूबसूरत लगती है और हंसती है तो हसीन लगती है, तो कॉमेडी हंसी मजाक जो है, ठिठोली जो है, वो हमारे देश की महिलाओं का एक तरह का एक अलग तरह का एक टैलेंट है और ये टैलेंट एज ए कॉमेडियन मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और मुझे लगता है कि महिलाओं को जितना ज़्यादा ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत है महिलाओं में, यहाँ की बात वहाँ वहाँ की बात, सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर भी आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि अभी अमित शाह कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि देश की जितनी माता बहनें हैं सबको हंसने का पूरा आज़ादी है, पूरा उनको ऊपर कोई धारा नहीं लगाई जाएगी, वो हंस सकती है। वो मेरी नज़र में खूबसूरती के मामले में मेरी सारी माता बहने कश्मीरा शाह है, क्योंकि आई लव कश्मीर, आई लव कश्मीरा। थैंक यू। भाई सबसे पहले तो हम लोग आपका शुक्रिया अदा करें अखिलेश जी कि आपने दिलीप भाई को हमको यहाँ इनवाइट किया, और हम लोगों की कोशिश होती है एज एन एक्टर कोई भी ऐसा कल्चरल प्रोग्राम हो, और ये कजरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रोग्राम है। अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं यहाँ पे और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम में हमेशा आना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए, जिससे बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बेशक, बेशक। उनके गार्जियन को मिलता है और एक गेट टुगेदर होता है, इसी बहाने मिलने जुलने का एक मौका मिलता है और इसमें बड़े बड़े लोग, बड़े सम्मानित लोग आते हैं, तो एक सबसे गेट टुगेदर हो जाता है। यही वजह है कि हम लोग भी आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने आए हैं। जी हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि कजरी शब्द जो है, जो महोत्सव है, ये हमारे हिंदुस्तान के कल्चर की एक पहचान है, और ख़ास करके मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ तो जाहिर सी बात है क्योंकि मेरे संगीत से काफ़ी इसका नज़दीकी ताल्लुक़ रहा है। और मतलब मैं अखिलेश जी का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि आज हम दोनों भाइयों को यहाँ बुलाया उन्होंने और आज इस फंक्शन की मतलब हमें भी आने का मौका मिला। और मैं यही कहूँगा कि बस हमेशा इस तरीके के अगर फंक्शन होते रहें और हम जैसे कलाकार आते रहें तो हमारा भी हौसला बढ़ता है, जो इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं उन कलाकारों का भी हौसला बढ़ता है। थैंक यू, थैंक यू। चाहेंगे जिस तरह से आज आयोजन रखा गया है कजरी महोत्सव, किस तरह आप देखते हैं इस कजरी को? देखिए, हम जिस तरीके से अपने प्रदेश में जहाँ पे हमारी जन्मभूमि है और वहाँ के कार्यक्रमों को अगर हमारे यहाँ पे आकर के कोई प्रस्तुत करता है तो एक अच्छी भावना आती है, और हमारे साथ जो हमारे से दूर रहते हैं लोग, हमारे गाँव के या हमारे भाषा के जानने वाले लोग, तो एकत्रित होते हैं, ये एक अच्छा काम है। तो जब आप इस कार्यक्रम के लिए आपको इनवाइट किया गया तो किस तरह का आपका रिस्पांस रहा कि इस प्रोग्राम में आपको जाना चाहिए या क्या कुछ? नहीं, बहुत खुशी हुई और इसी बहाने मुझे सारे लोगों से मिलने को मिला और आपसे भी मिलने को मिला, तो एक जब कोई बुलाता है किसी कार्यक्रम में तो स्वाभाविक है, आदमी को अच्छा लगता है। उत्तर भारतीयों के इस मंच पे महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री कृष्णा प्रकाश के द्वारा आपको सम्मान भी दिया गया, जीता हुआ सॉल दे सकते, आज उत्तर भारतीय मंच पे आकर के आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर भारतीय समाज को? जब आप सम्मानित होते हो तो उस व्यक्ति के लिए वो बहुत गौरवान्वित बात होती है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा सम्मानित किया जाता है, और मुझे बहुत अपने आप पे गर्व हो रहा है कि मुझे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के द्वारा सम्मानित किया गया है एक उत्तर भारतीय मंच में, तो ये सम्मानित होना एक गर्व अंतरित होने के बराबर है। भाजपा पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और जब यहाँ पर स्त्री शक्ति सम्मान की बात आती है तो आप कैसे देखते हैं, जो भाजपा की भी पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप किस पहल में जुड़ते हैं और यहाँ पर महिलाओं का सम्मान भी किया गया है? देखिए, भारतवर्ष में हमेशा महिलाओं पूजनीय रही हैं
और हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि जब तक हम महिलाओं का आदर, हमारी बेटियों का आदर, अपनी बहनों का आदर, अपनी पत्नी का आदर नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे सकते। जी बिल्कुल कर पा रहा हूँ, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भी हम लोग आज जो मुंबई शहर में एकत्रित होते हैं, अलग अलग प्रांत से होते हैं, और आज जो यूपी का मतलब आप लोगों को जो यहाँ सबको इकट्ठा किया गया है कजरी के बहाने, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही प्यारा क्षण है हम लोगों के लिए, एक अपना पन का क्षण है कि हम सब अलग अलग प्रांतों से रहते हैं, मगर जब ऐसे फंक्शन में हम लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एकजुट और एक आत्मा हो जाते हैं, और आई होप कि इसी तरीके से प्यार हमारे पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों का बना रहेगा। तो भाजपा से, भाजपा पार्टी की जब बात करते हैं, बॉलीवुड भी काफी जुड़े हुए रहते हैं, और आप चापके साथ भाजपा के नेता बैठे हो, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई भाजपा के लिए यही कहेंगे कि भाजपा तो सबके दिल को भा गया है, और भाने के साथ साथ मैं बताता हूँ सबके दिल को भा गया है, पूरे विश्व में छा गया है, तो बीजेपी का तो क्या कहना, मतलब खास करके नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि मैंने उनके लिए गाना भी बनाया था, और इस देश को ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे और अमित शाह जी जैसे नेता और प्रधानमंत्री हमको मिले, हम बहुत फख्र करते हैं इस बात का, और आई होप मैं ही नहीं, पूरी हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात को मानती है, आज बीजेपी का लोहा हम सभी लोग मान रहे हैं। थैंक यू। आपके बगल में एक सवाल और, रविंद्र द्विवेदी जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान के सचिव बनाए गए हैं, हाल में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है, उनके लिए छोटा सा गीत अभी सुनाते हैं। तो एक काम करता हूँ ना, जैसे मैं हर एक के लिए कुछ ना कुछ बोलता हूँ, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। तो हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि रविंद्र जी जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, और आज इस पोस्ट पे कल उस और बड़ी पोस्ट पे आ जाएं। और फिल्म जगत के लिए कुछ न कुछ सवाल उठाते रहे, हम फिल्म के लिए करेंगे तो ही हम इनके नज़दीक रहेंगे। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। थैंक यू सर। आइए सर, थैंक यू। सर्वप्रथम हमारे प्रेरणा स्रोत बड़े भ्राता भैया बैठे हैं बगल में, उनके चरणों में नमन करता हूं, और मैं कहना चाहूंगा कि देवभूमि उत्तर प्रदेश की धरती से, धरती की जो अलख है, और हमारी माताएं बहनें हमारी बेटियां जो कजरी एक परंपरा बचपन से हम सब देखे आए चले आए हैं, श्रावण मास के पवित्र महीने में हमारी बहनें हमारी माताएं हमारी बेटियां अपने ससुराल के छोड़ के नैहर चली जाती हैं, और वहां जाके जरई बोके सावन सावन में कजरी खेलती हैं, और उसको आज हमारे बड़े भ्राता और हम सबके प्रेरणा स्वरूप बड़े भाई अमरजीत मिश्रा जी के नेतृत्व में विगत कई वर्षों से ये अलौकिक अद्भुत स्मरणीय वंदनीय कार्य हो रहा है, और आज के आयोजक हमारे जिनके निमंत्रण में मैं खास तौर से आज आया हूँ कजरी में, और कई दिनों से कजरी चल रही थी, हमारे छोटे भाई शंभू सिंह जी हमारे जो गांव के भी हैं 370 विधानसभा मड़ियाओं के भी हैं, और अखिलेश जी आप भी हमारे विधानसभा मड़ियाओं से ही हैं, और आपका हमारा परिचय 35 वर्षों से है, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज कजरी के इस पावन पर्व पर आकर बड़े भैया जैसे शीतला भैया जैसे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ शंभू सिंह जी को मैं बहुत आशीर्वाद दूंगा, बधाई दूंगा कि ऐसे आयोजन आप करते रहें, और ईश्वर आपको सद्बुद्धि दें कि हमारी जो धरोहर विलुप्त होती जा रही थी, कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जैसी धरती पर ये कजरी एक ऐसा पावन पर्व है जिसके बारे में मैं कहूँ तो कम होगा चुकती होगी कि हमारी बहनों के लिए, हमारी खास करके माताओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए ये त्यौहार अपने आप में वंदनीय है, जितना भी कितनी भी शब्द कहा जाए उतना कम है। अखिलेश जी, शीतला जी, आप क्या कहना चाहेंगे, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकेडमी भी इसको सपोर्ट कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है इस प्रकार के आयोजन को सपोर्ट करना और इनको ये करना उत्साहित करना? आपने बहुत सही बात उठाई कि हम कितना सपोर्ट कर रहे हैं, चूल्हा ये कजरी को सपोर्ट नहीं है, ये अपनी संस्कृति को सपोर्ट है, अपनी भाषा से जुड़ना है, अपनी मिट्टी से जुड़ना है, और इस तरह से अपने आप से जुड़ना है। आज सबसे बड़ी दुख और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि हम अपने गांव को, अपनी बोली को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं, अपने संगीत को भूलते जा रहे हैं, और इसीलिए अपनी जड़ों की ओर लौटना बहुत ज़रूरी है। मित्रों,
ऊपर से चाहे जितना हरा भरा बगीचा दिखाई दे, लेकिन जब तक जड़ों को सींचा नहीं जाएगा, भाषा की जब तक बोलियों को सींचा नहीं जाएगा, जब तक अपनी संस्कृति की ओर लौटा नहीं जाएगा, तब तक बड़े तौर पर भाषा के चाहे जितने नारे दे दिए जाएं, ज्ञान विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कह दी जाएं, सब केवल ऊपरी तौर पर रहेंगे। उन्हें हरा भरा रखने के लिए, संस्कृति को पल्लवित पुष्पित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फिर से अपनी संस्कृति की ओर लौटें, अपने उसी कजरी चैता फगुआ की ओर लौटें। वे शब्द जो लगभग हमारी जुबान से गायब होते जा रहे हैं, उनकी ओर लौटें, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी लोक भाषाओं के तमाम तरह के आयोजन मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है कि हम देश के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे आधुनिक शहर मुंबई में बैठकर, ज्ञान विज्ञान के केंद्र विद्यानगरी में बैठकर, हम हिंदी भाषा के लोक पर्व कजरी को अवधि और भोजपुरी के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने सुना होगा अभी विदेशिया को लेकर पूरे भोजपुरी प्रांत को सामाजिक तौर पर क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए भिखारी ठाकुर को जाना जाता है, और इस तरह से स्थितियाँ आज बन रही हैं कि अगर विकास का मार्ग प्रशस्त करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी जड़ों को लेकर आगे बढ़ना है, अपनी भाषा को लेकर, अपनी भूषा को लेकर, अपने भोजन को लेकर आगे बढ़ना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और यही सबसे बड़ा प्रदेय और यही सबसे बड़ी शक्ति होगी आज की। किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है लोगों को देखकर, इकट्ठा हो रहा है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं इस कजरी महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए, किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है आपको? मैं बिना पूछे बताना चाह रहा था, अच्छा हुआ ये प्रश्न किया आपने। हमने अभी 10 तारीख को चर्च गेट के केसी कॉलेज में ये कजरी का आयोजन केसी कॉलेज हिंदी विभाग और अभियान के संयुक्त तत्वावधान में किया था। मित्रों, दक्षिण मुंबई पूरी तरह से व्यावसायिक केंद्र है, जहां पर भाषा को लेकर कोई भी अपनी बात करने को तैयार नहीं है। बावजूद इसके लगभग 650 लोग उस हॉल में आए हुए थे, भरे हुए थे। बहनें मेहंदी लगाने के लिए लगभग आधे आधे घंटे लाइन में खड़ी होकर, हमने मेहंदी का भी कार्यक्रम वहाँ पर रखा था, टैटू बनाने के ज़माने में मेहंदी की ओर लौटने की भी परंपरा यही है। झूले की ओर लौटने के लिए, जिस समय हम हिंडोला जो हमें अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और वहाँ से लेकर पूरे ठाणे, भयंदर, मुंबई सबर्ब, सेंट्रल, वेस्टर्न, हर कहीं ये माहौल चल रहा है पूरी तरह से। एक तरह से सावन को जीने की परिकल्पना है। जान लीजिए, ये लग रहा है कि हम हिमालय पे बैठे हैं, इतना अद्भुत। हिमालय के साथ साथ मड़ियाहों में बैठे हैं, क्योंकि गांव के याद ताज़ा होइए, और जैसे कि ये कहते हैं 370 विधानसभा मड़ियाहों के लोग ही इसके आयोजक हैं, तो उसमें और चार चांद लग गया है, तो मैं बहुत बधाई दूंगा। और श्रावण और ये पवित्र महीना पूर्ण, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और रिमझिम फुहार तो ऐसी भावनाओं से गाया जा रहा है कि भगवान खुद ही प्रफुल्लित होकर अपनी वर्षा निर्देवता कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे महान कार्य होते रहेंगे तो ईश्वर का साथ सदैव मिलता है, और ईश्वर रूपी जो आशीर्वाद मिल रहा है सावन के महीने में, मैं पूरे संपूर्ण भारतवासियों को, खास करके देवभूमि उत्तर प्रदेश को और संत भूमि महाराष्ट्र को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और भाई अमरजीत मिश्रा को बहुत आशीर्वाद देता हूँ, और प्रणाम करता शंभू भाई को, और अमरजीत भैया को चरणों में वंदन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मिश्रा जी से मिलते हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया महाराष्ट्र। रोल रोल रोल। कजरी महोत्सव यहाँ पे लुप्त हो चुकी थी, ये हम लोग ने एक स्टार्ट किया अमरजीत सिंह मिश्रा जी के नेतृत्व में। हमारे बड़े भाई राकेश मिश्रा, राकेश सिंह जी जो है, उनको उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि आप करो। मेरे बड़े भाई हैं सतीश सिंह, आनंद सिंह और मेरे मित्र हैं, जो मेरे ग्रुप अनुराग, ममता गुप्ता, नरेंद्र सोनकर, सुनील सिंह, अखिलेश सिंह, ये सब इनका सहयोग है, और इनका मतलब एक मीटिंग में हुआ कि भाई ये हमारे यहाँ रखा जाए, इस कजरी को, इस महोत्सव को आगे बढ़ाया जाए, और अपने लोगों के बीच में इसको प्रोत्साहन किया जाए कि हमारे जो पुरानी प्रथा है कजरी, उसको हम आगे बढ़ाएं, आगे लेके चले, यही हमारा उद्देश्य था। आज का कार्यक्रम एकदम 100% सक्सेस रहा। आज का कार्यक्रम मराठी भाषा भवन में कराने का ये हेतु था
कि उत्तर भारतीय लोकगीत का कार्यक्रम था और मराठी और उत्तर भारतीय साथ साथ में रहते हैं, लोगों में एक अच्छा मैसेज जावे, इसलिए यहाँ पे कार्यक्रम करने का हेतु था। ये कार्यक्रम निरंतर 2 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक चलता है। अभी आज जैसे यहाँ पर आज कुछ 16 तारीख है, 16 तारीख को यहाँ यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जोगेश्वरी वेस्ट में अपना लोटस पेट्रोल पंप के सामने बिसावा भवन में वहाँ कार्यक्रम है, और उसके बाद 18 तारीख को समापन रंग शारदा में। नहीं, उसके लिए कमिटी बनी है हमारी, और मतलब जो महिला समाज में काम कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको चयनित करके महिला सशक्तिकरण, महिला स्त्री सम्मान से स्त्री शक्ति सम्मान दिया जाएगा। तो आखिरी सवाल चलते चलते कुछ जो जिन्होंने सपोर्ट किया इसको सफल बनाने के लिए, जो लोगों ने आपके कंधे से कंधा मिलाकर आगे आए, क्या कुछ उनका शुक्रिया अदा? मैं अपने सभी मित्रों को और अपने अभियान, जो अभियान ने हमको स्टैंड किया, बोलते हैं ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ऐसे ही इसी तरह काम तो कर रहे हैं अमरजीत मिश्रा और अभियान। अभियान के चलते हम और हमारे ग्रुप के जितने हैं सबका नाम हो रहा है। तो मैं अमरजीत मिश्रा और मेरे ग्रुप, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो मित्र यार हैं, जो मुझे सपोर्ट किए, जो मैंने अभी बताया, मेरे बड़े भाई के रूप में आनंद सिंह है, सतीश सिंह, राकेश भाई, अनुराग शुक्ला, ममता गुप्ता, नरेंद्र और सुनील भाई, अखिलेश सिंह, जो जिनका सपोर्ट मिला, आज उस सपोर्ट के बैकिंग का ही नतीजा है कि आज हम लोग सक्सेस हुए। हमारा हॉल, हमारा कार्यक्रम सब बहुत अच्छा हुआ। मेरे बड़े भाई दीक्षित जी हैं जिनका सपोर्ट है, मैं इन सभी का धन्यवाद। दिल धड़क रहा था अभी, अभी, अभी। दिल धड़क नहीं रहा, ब्लास्ट होने के कागार पे था कि जब लोग आते थे बाहर तो सर डर लगता था और बोलते थे तो भी डर लगता था, सर नींद नहीं आती हम लोग को रात भर में ये प्रोग्राम आयोजन करने के चलते। आज के 100% अभी ये जलवा देखकर बहुत जोश बढ़ा है। हाँ, जोश बढ़ा, एकदम परफेक्ट है सर। आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं अपने जो मेरे मित्र आए हैं और जो मेरे सहयोगी आए हैं, मैं उनका सभी का धन्यवाद। अरविंद उपाध्याय जी, जो मीरा रोड, भाईंदर, थाना से भी मेरे मित्र आए हैं, चेंबूर से आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में। थैंक यू, धन्यवाद।